तो भाई लोगों, जैसे आज की जो मैंने रेसिपीज बनाई है उसमें जो सबसे बड़ा अगर हाथ है किसी का, दाल चटनी वल समोसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को 18वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इफ्तारी में जो है सलगम का हलवा खाएंगे, तो वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको इस मेरे व्लॉग में बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें आपको क्या चीज़ मेरे वीडियो में अच्छा लगा। चलिए अब हम तो ये रहा हमारा सलगम, ये रहा हमारा सलगम, ये रहे सलगम। अभी जो हम इस सलगम को पूरी तरह से छीलेंगे प्रॉपर साफ सफाई के तरीके से, उसके बाद हम इसको खोपरा किसनी पर छीलेंगे खोपरे की तरह। तो बाकी की प्रोसेस जो मैं आगे बताता हूँ। जो हमारा सलगम जो पूरी तरह से प्रॉपर छिल चुका है, अब इसको बारी आती है हमें इस खोपरा घिसने की मदद से हम इसको पूरा खोपरे के बूरे की तरह बिल्कुल घिस के फिनिश कर देंगे। और वो इस तरह से हमको इसे लेना और इसे घिसना है। इससे कि ये इस तरह से ऐसा हो जाएगा कटने के बाद, छिलने के बाद, पूरा पीसने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा सलगम था वो पूरा इस तरह से पीस चुका है। ये देखिए आप, पूरा जो हमने उसको इस तरह से पूरा पीस करके पूरा एक बिल्कुल एक दाने दाने की तरह उसको बिखेर दिया गया है इस तरह से। अब इसको जो हम भूनने की तैयारी करेंगे कढ़ाई के अंदर घी डाल करके, वो आपको हम बताते हैं कि वो प्रोसेस कैसी रहेगी। वो भी हम आपको उसको पूरा भून करके दिखाएंगे बिल्कुल। ये देखिए, और ये इस तरह से हो चुका बिल्कुल कटने के बाद में। अभी जो हमने ये किया कि इसके अंदर कढ़ाई में 200 ग्राम समथिंग हमने घी लिया, और घी में इसको हमने डाल के ऐसे करा दिया। थोड़ी घी में हमको फ्राई करना है इसको अच्छी तरह से। ये घी में जैसे ही भुनेगा वैसे ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होता जाएगा। अब हम जो इसको लो चाल पे, धीमी चाल पे थोड़ा ढाक के पकाएंगे। अब जो हमें इसके मीठे के हिसाब से हमें इसमें चीनी डालना है। जितना मीठा हमें करना है उतनी हम इसमें चीनी डाल सकते हैं। और चीनी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से फेंटना भी थी अच्छे से, ताकि चीनी जो मिक्स हो जाए पूरे में। जो हमारा सलगम जो एक अच्छी तरह से भुना चुका है, हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने इलायची पाउडर जो पीसा था शक्कर के साथ में मिक्स करके, अब हम इसको इसमें ऐसे बुरबुरा देंगे पूरे में, अच्छे इसको पूरा मिक्स कर देंगे। इससे इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी हो जाए और टेस्ट भी इसमें आ जाए। ये इलायची और शक्कर का मिक्स पाउडर है। इसी तरह से भुनाने के बाद में हम इसमें जो है दूध डाल देंगे, और दूध इसमें हम डालेंगे लगभग आधा लीटर, जो कि इसमें एक रबड़ी टाइप हो जाए वो उकलते उकलते, और समथिंग उसको हम 20 से 25 मिनट उकाल लेंगे इसके अंदर मिक्स करके। अब जो है हमारा सलगम जो एक हलवे की तरह तैयार हो चुका है बिल्कुल भुना करके इस तरह से। देखिए बिल्कुल आपको सेम गाजर के हलवे की तरह दिखेगा। अब इसमें बारी आती है हमें दूध डालने की। दूध को जो है हमें इसके अंदर लगभग 20 मिनट के लिए पकाना है। हमारा हलवा जो है तैयार हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट। अब जो हम थोड़ा सा रवा सेक के रवे को इसके अंदर मिक्स करेंगे। रवा बोले तो सूजी, सूजी को हम थोड़ा सा सेक के हल्का सा घी में फ्राई करके फिर हम हमारे हलवे में फिर से इसको मिक्स करेंगे। हमने इसमें रवा डाल दिया है, रवा देखिए हमारा अच्छे से सिक चुका था, तो हमको इसमें अच्छे से रवे को मिक्स करना है।
जिसमें इस वजह से इसमें खस्तापन आ जाए। हमारा जो हलवा है हो चुका है तैयार, और अब हम इसमें डालेंगे खोपरे का बूरा, जिससे इसमें टेस्ट और काफ़ी बढ़िया हो जाए। जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, बिल्कुल गाजर से भी काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका, बहुत शानदार। और अब बनाएंगे हम बेसन के भजिए। ये तला रहे हैं हमारे भजिए, भजिए जो हमारे पूरे तला चुके हैं, थोड़े बहुत बाकी है। ये हमारे भजिए हो चुके हैं तैयार। जो हम काट रहे हैं आलू की चिप्स, उसको हम तलेंगे बेसन में मिला के, वे लगेगी बहुत मस्त। आलू की टिकिया बेसन में है, ये देखिए हमारी जो आलू की टिकिया तला चुकी है। भाई लोगों, जैसे आज की जो मैंने रेसिपीज बनाई है उसमें जो सबसे बड़ा अगर हाथ है किसी का तो वो हमारे ज़फ़र भाई का। अगर ज़फ़र भाई हमें सलगम नहीं देते तो हमारी रेसिपीज़ नहीं बनती, और रेसिपीज़ नहीं बनती तो हमारी वीडियो नहीं बनती, और वीडियो नहीं बनती तो आपको पता कैसे चलता कि सलगम का भी हलवा बनता है। तो चलिए आप हलवे को देखिए आगे हलवा कैसे बना है। चलिए ओके बाय। हम इफ्तार के दस्तरखान पे, तो ये आज का हमारा दस्तरखान है, और ये हमारा सलगम का हलवा, ये आलू की टिकिया भजिए, बाकी तो आप फल फ्रूटों के नाम जानते हैं। ये हमारे सेपू, मोइन, शाहनवाज, साहिल, अम्मी जान, और ये हमारे फैज भाई। फैज भाई बिस्मिल्लाह करो, चलो करो बिस्मिल्लाह। अब हम मिलेंगे रोज़ा इफ्तार के बाद में। खाने के पहले जो दस्तरखान था आपने देखा होगा, और खाने के बाद दस्तरखान जो पूरा साफ, पूरा साफ, फैज भाई ने पूरा साफ कर दिया। ये फैज भाई ने, है ना फैज, पूरा साफ करा कि नहीं? इधर देख, वो देखो क्या कह रहा कैमरा, देखो बोल, अल चटनी वल समोसा इन कबाबुल कीमा मिनल कोफ्ता वल बिरयानी या पानी या पानी। हाँ अब बोला ना तूने सही। चला बाय बाय कर ले अपने सब्सक्राइबर को, कहना वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करना, है ना। चलो ठीक है, अब बाय बाय कर लो जल्दी। चटनी वल समोसा इन कबाबुल, रुक जा मैं भूल गया यार।